तो हम बात कर रहे थे अगले पहियों पे इंजन का वजन, अगले ही पहियों पे ब्रेक लगते हैं और अगला ही पहिया पहले गड्ढा कूदता है, अगला ही पहिया ब्रेक कूदता है, इसलिए अगले पहिए जल्दी घिस जाते हैं। तो हम कितने समझदार लोग हैं, हम अगले पहिए पीछे डाल देते हैं और अगले नए डाल देते हैं। क्यों डाले आपने अगले नए? क्यों डाल? जानते आप इस संस को? शायद नहीं जानते, आज समझो। साइंस ये बोलती है और ये रूल है, किसी भी कंपनी वालों से पूछ लेना, अगर गाड़ी 100 की स्पीड पे है, अगला टायर फट गया किसी भी कारण, तो उस कार को पलटने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 100 की स्पीड पे अगर अगला टायर फट गया, उस कार को पलटने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती और उसमें जितने भी लोग हैं एक भी नहीं बचे। लेकिन अगर 100 की स्पीड पे पिछला टायर फट गया तो कार डिसबैलेंस तो हो जाएगी, पलटेगी नहीं किसी भी की। इसलिए समझदार लोग अगला टायर मजबूत रखते, नया मजबूत रखते। अब अपनी जिंदगी का अनुभव, आप परिवार के अगले टायर, सबसे कमजोर टायर हुआ, ना टाइम पे उठना है, ना सोना है, ना खाना है, और इस पूरी गाड़ी को खींच रहे हुआ, और सबसे पहले ये टायर फटेगा, क्योंकि ट्रेन का जब आप एक्सीडेंट सुनते हो ना, जब ट्रेन टकराती है और सुनते हो 100 लोग मर गए, कौन लोग मरे ट्रेन में, जो ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन में ये घर का मुखिया था। आपने कभी सुना है कि एक ट्रेन पटरी से उतरी और घर में घुस गई, उसमें सोए हुए 5 लोग मार दिए? नहीं, क्यों? ये घर में थे, ये सुरक्षित है, सब जब भी हादसा होगा इनके साथ, ये जो अगला टायर भाग रहा है, परिवार की जिम्मेदारी इसके ऊपर, इसलिए हिस्सा भाग, रिश्तेदारियों का दबाव इसके ऊपर, इसलिए ये कमजोर टायर है और ये फटेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये फट गया, आपने सोचा है इस कार का क्या होगा? अगर ये फट गया ना, ये पलट जाएगी, इस कोरोना की महामारी में ये वाले टायर भी फटे हैं, किसी की पत्नी गई, किसी का बच्चा गया, किसी का भाई गया, किसी के पिता गए, किसी की मां गई, लेकिन इनमें से कोई टायर फटा, पिछला टायर फटता है तो गाड़ी डिसबैलेंस होती है, पलटती नहीं। तो ये मजबूत टायर था ना अगला, इसने पलटने नहीं दिया इस गाड़ी को और कह दिया घबराओ मत, जो हादसा होना था हो गया, 4 महीने बाद मैं पूरे परिवार की गाड़ी पटरी पर ले आऊंगा, क्योंकि मैं मजबूत टायर हूं। लेकिन जिन परिवारों का यह टायर फट गया, वो गाड़ियां आज तक पटरी पर नहीं आती। मैं इसीलिए कहता हूं इस बिजनेस को सीरियसली करो। मेरा स्पीड करने का क्या कारण था, मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता को कैंसर हो गया था और उस समय कैंसर से डर लगता था आदमी, एक साइकोलॉजी बन जाती थी कि कैंसर हो गया तो उस आदमी को लगता मैं बचूंगा नहीं। मेरे फादर लगभग 55 साल के थे, मेरी मां को भी पता लग गया था बचेंगे नहीं। तो हम उनको एम्बुलेंस से लेके देवी जा रहे थे, तो सामने वाली बेंच पे वो लेटे हुए थे, उनके गले में कैंसर हो गया था, उनकी आवाज चली गई थी, समझते सब थे, देखते सब थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था, सामने की बेंच पे लेटे हुए, उस बेंच पर हम 3 लोग बैठे थे, मेरे मामा जी, मेरी मां और मैं। रास्ते में मेरे पिताजी मेरे पैर पे हाथ मारते और मेरी मां की तरफ इशारा करते, क्यों? जबकि मेरी मां उनके नजदीक बैठी थी, चाहते तो वो मेरी मां के पैर पे भी हाथ मार सकते थे, लेकिन हमारे भारत के संस्कारों में बेटे के सामने मां को नहीं छुआ जाता, ये कह सकते हैं या नहीं कहा जाता डायरेक्टली। तो मैं सोचता था कह तो ये मां से भी सकते थे, लेकिन शायद मेरी शर्म की वजह से मां से नहीं बोल पा रहे हो, तो मेरे हाथ मारते तो मेरी मां की तरफ इशारा करते थे, तो मेरे को लगता था ये मेरी मां से कुछ कहने जा रहा, तो मैं मेरी मां को बोलता था मां
सर पिताजी कुछ कह रहे हैं। तो जैसी मेरी मां उनकी तरफ देखती थी उनके आंख से आंसू निकल आते मेरे पिताजी, और मेरी मां को बोलते थे कुछ नहीं कहना। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो मेरा हाथ मारते थे, फिर मां की तरफ इशारा करते थे, फिर वो पढ़ते थे, फिर मां बोलती क्या हुआ। मैं बच्चा था, मैं उस चीज को उस समय नहीं समझा, मैं बड़ा होते समझ, तो मेरे को ऐसा लगता था शायद पिताजी को अब लग रहा है मैं नहीं बचूंगा और फिर ये कुछ कह नहीं पाते, ऐसे मेरे मन में विचार चल रहे थे। एडमिट कराया, एक महीने बाद वो ऑफ हो गए, नहीं बचे, और मेरी मां सदमे में चली गई, कोमा में चली गई एक तरह से। ये थे जिस बाद हम कोमा सब बोलते हैं, उस समय सदमा बोलते, बेहोश हो गई। और जब भी मेरी मां 2-3 दिन में होश में आती थी, थोड़ा उसको पानी पिलाते थे, कुछ खिलाते थे, फिर वो एक ही लाइन बोलती थी, हमारा सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं। तो मेरे मामा जी बोलते थे नहीं बहन सब अच्छा होगा, बोले नहीं बहन सब बर्बाद, कौन बच्चों की शादियां करेगा, कहां से पैसा आएगा, कौन खेती करेगा। उसको एक चिंता थी पैसा कहां से, उसको ये चिंता नहीं थी, उसको ये तो पता ही था कि अब ये बचेंगे नहीं, बस वो यही बोलती थी कैसे होगा, पालन पोषण कौन करेगा। और वो फिर सदमे में चली जाती थी बेहोश, बहुत लंबे टाइम तक वो सदमे में रही, बड़ी मुश्किल में हमने निकाला, बहुत हम परेशान रहे। मैं बड़ा हुआ तो मेरे को ये लगा कि पिताजी मेरे हाथ क्यों मारते थे। बड़ा होकर समझ में आया, आज वो जो भावना मेरे को समझ आई मैं वो बताना चाहता हूं। वो मेरी मां की तरफ इशारा करके सिर्फ ये कहना चाहते थे कि बेटा मेरे बाद तेरी मां का कोई सहारा नहीं है, ये दूसरे के परिवार से आई है, इसको कभी दुख नहीं होना चाहिए, तू इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाई। और वो बहुत लंबा अरसा हमने अपनी मां के साथ देखा। मेरा स्पीड में बिजनेस करने का सिर्फ एक कारण था, ये बहुत बड़ा कारण था, कि जो हालात मेरी मां के साथ हुए मेरे पिता के जाने के बाद, बस मैं ये चाहता था मेरे जाने के बाद वो हालात कभी मेरी पत्नी के साथ नहीं होने चाहिए।